नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। मैं हूं आपके साथ शिवम पटेल, रुख चला है जिले से खास खबरों। बिजली गिरने से दो सगे भाइयों की मौत, एक घायल। शैतान का साया बताकर महिला तांत्रिक ने जलाए मासूम के हाथ। रमुआपुर और सिकटिया गांव में चोरों का तांडव। मोबाइल टावर से केबल व बैटरी चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। विस्तार से तेज बारिश के दौरान मोहम्मदी थाना क्षेत्र के पड़री गांव में आम के पेड़ के नीचे खेल रहे बच्चों पर गिरी बिजली। हादसे में 3 बच्चे घायल हुए, इनमें से तेजपाल के 10 वर्षीय बेटे आनंद और 6 वर्षीय बेटे अभय राज की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल विनीत को डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पड़ुआ थाना क्षेत्र के अभयपुर गांव में शैतान का साया बताकर महिला तांत्रिक ने 4 वर्ष की मासूम बच्ची माही के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। शैतान का साया उतारने के नाम पर बच्ची के हाथ जलते कंडों के बीच रख कर जला दिए। यही नहीं, उसे बुरी तरह से मारा पीटा और तख्त पर उठाकर पटक दिया। इससे मिझरिया गांव की इस मासूम बच्ची की हालत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे दिमागी बुखार बताया। उधर पुलिस ने महिला तांत्रिक गीता बंगाली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आज दिनांक 26 जून 2024 को थाना स्थानी पर वादी संदीप पुत्र राम किशोर निवासी ग्राम मिझरिया थाना पड़ुआ द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री माही, जिसकी उम्र करीब 4 वर्ष है, को विपक्षी गीता बंगाली, जो कि अभयपुर थाना पड़ुआ की रहने वाली हैं, इनके द्वारा इलाज करने के नाम पर 1500 रुपये ले लिए गए तथा बच्ची को जलाकर चोट पहुंचाया गया। उक्त संबंध में वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र के रमुआपुर गांव में मंगलवार की रात ग्राम प्रधान अमित वर्मा के घर चोरों ने धावा बोल दिया। यहां से अलमारी और बक्से के ताला तोड़ 30,000 की नकदी और लाखों का माल चोरों ने पार किया। इसके बाद सिकटिया गांव में नफीस और लाल बहादुर के घर से हजारों का सामान चोर बटोर ले गए। उधर मैकलगंज कोतवाली क्षेत्र के यहां गांव में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया, जहां से लाखों के गहने पार कर दिए। मितौली पुलिस ने मोबाइल टावर और सोलर प्लांटों से बिजली केबल व तार बैटरी चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। इनके पास से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान और 2 गाड़ियां बरामद की। सीओ शमशेर बहादुर के मुताबिक यह गैंग डिजायर कार से घूम घूम कर पहले रेकी करता था और रात में घटना को अंजाम देता था। आज मितौली पुलिस ने 5 अभियुक्तों को एक पिकअप गाड़ी के साथ बरामद किया है, गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की 46 अदद बैटरियां, जो जनपद के विभिन्न जगहों से टावर और सोलर प्लांटों से चोरी की गई थी, और भारी मात्रा में बिजली के तार, ये गैंग मुख्य रूप से बिजली के तार काटता था। तार काटते संबंधित उपकरण मिले हैं। इस गैंग की जो मोडस ऑपरेंडी थी, वो इनके पास एक स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद हुई है, जो स्विफ्ट गाड़ी से रेकी करते थे, बाद में जाके रात में ये तार को काट लेते थे, बिजली के तार के। तो काफ़ी मात्रा में बिजली के तार काटने के उपकरण इनसे बरामद किया गया, और 46,000 बैटरियाँ बरामद की गई। 33,000 KV की जो तार है वो भी बरामद इनसे भारी मात्रा में किया गया। और इनका आपराधिक इतिहास है जनपद के विभिन्न थानों में। इनका मेन सरगना है जो अंकित तो दुर्गेश, जो खीरी का रहने वाला है, इसके खिलाफ पूर्व से भी इनके खिलाफ मुकदमे जनपद में पंजीकृत है। ये थी अब तक की खास खबरें, देखते रहिए मेरी जुबान। धन्यवाद।